सोमवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ चुनाव के दो प्रत्याशी गुटों द्वारा किए गए हंगामे के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव को स्थगित कर दिया था। इस मुद्दे पर समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय नाथ सिंह देव ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव को स्थगित कर अन्य प्रत्याशियों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में हुए हंगामे में दो छात्र प्रत्याशी गुट शामिल थे, जिसका अन्य प्रत्याशियों से कोई सरोकार नहीं था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अन्य प्रत्याशियों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करते हुए छात्र संघ चुनाव स्थगित करने का फरमान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को गंभीर होते हुए छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा, देखिए, हम जिसके लिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हैं और ये जो चुनाव उन्होंने प्रस्तावित था 13 तारीख को, वो चुनाव कल स्थगित कर दिया है ताकि बीच मारपीट हुई है और उस मारपीट को लेकर उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षक के साथ अभद्रता की गई है। तो एक जो है उन्होंने इसको कारण बनाते हुए, इसको मुख्यबिंदु बनाते हुए उन्होंने छात्र संघ स्थगित कर दिया, छात्र संघ के चुनाव को। समाजवादी छात्र सभा की तरफ से एक आरोप है कि ये चुनाव इस मारपीट से नहीं बल्कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सोची समझी रणनीति के तहत रद्द किया गया है और कहीं ना कहीं जो ये सारा कल ड्रामा चला है ये पहले से रणनीति में बनाया गया था, रणनीति के तहत किया गया था और उसी तहत रणनीति के तहत उस इलेक्शन को कैंसिल कर दिया गया है। जो सच बात है ये है कि जो परिस्थितियाँ निकल कर आ रही थी, समाजवादी छात्र सभा के जो पैनल के पदाधिकारी थे वो बड़ी ताकत से अपने आप को उभार के लाए थे और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरे देश में चल रही है उस न्याय का विस्तार बहुत तेज, उस न्याय के विस्तार के लिए जो पैनल बनाया गया था समाजवादी छात्र सभा की तरफ से उसकी व्यापकता बड़ी थी और कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं में उसकी स्वीकारता बड़ी थी। तो कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस बात का डर था कि ये छात्र संघ का चुनाव वो हार ना जाए, इसलिए उन्होंने रणनीति के तहत इस चुनाव को स्थगित कराने का पूरा षड्यंत्र रचा। वे संवैधानिक बातें कही गई थी, जो लिंगदो के सिफारिशें थी, ये सारी बातों को हम लोगों ने स्वीकार किया था। हम पूरी जो भी विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से हमें नियम और शर्तें दी गई थी, जो गाइडलाइन दी गई थी, समाजवादी छात्र सभा उन गाइडलाइन का अच्छा सा पालन कर रही थी। और कल जो विवाद हुआ है वही समझने की बात है, बहुत सारे पैनल जो इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, निर्दल लड़ रहे हैं और भी छात्र संगठनों से लड़ रहे हैं, ये झगड़ा किसी दो और राजनीतिक दलों या विचारधाराओं के बीच नहीं हुआ, ये लड़ाई एक ही दल के, एक ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उनसे अलग हुए एक छात्र नेता के बीच हुई, जो बिल्कुल इस बात की ओर इशारा करती है कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत जब उन्हें हार दिखी तो उन्होंने ये सारा रणनीति तय की और उस रणनीति के तहत इस छात्र संघ चुनाव को बंद करा दिया गया, स्थगित करा दिया गया। समाजवादी छात्र सभा की यही मांग है कि चूंकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का गृह जनपद है और गोरखपुर विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं पूरे देश में और प्रदेश में अपनी ख्याति के लिए जाना जाता है, छात्र संघ के चुनाव जो स्थगित किए गए हैं उन्हें पुनः उन पर डेट दी जाए, उनकी तारीख तय की जाए और छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं और इसी छात्र संघ के चुनाव जो हैं वो पूरे देश दुनिया में एक मैसेज देंगे। समाजवादी छात्र सभा की तरफ से जो हमारे अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं और जो उपाध्यक्ष और महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं, हमने एक बहुत जो है सोची समझी बातों के तहत अन्नू प्रसाद जैसी दलित परिवार से आने वाली बच्ची को टिकट दिया है, लड़की को टिकट दिया है और जिसकी स्वीकारता भी बहुत ज़्यादा दिखाई दी थी। तो कहीं ना कहीं इस स्वीकारता को देखते हुए जो EBVP षड्यंत्र के तहत चुनाव को स्थगित कराना चाहती है, समाजवादी छात्र सभा की तरफ से ये मांग है कि छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित की जाए, अन्यथा समाजवादी छात्र सभा के पैनल पदाधिकारी धरने पर बैठे हुए हैं, आगे रणनीति तय की जाएगी और जो भी इस छात्र संघ को चुनाव कराने के लिए जो भी करना पड़े हम पूरी ताकत के साथ वो कार्य करेंगे और वो लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे।